नितिन एक मिनट, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तब तक तुम मैनेज कर लोगे। सर अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ, थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज सब लोग देख रहे हैं। इतने दिन तो मैं अपने सब मतलब अपने टीम यूनियन के साथ देख रहा था, तो थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। जी सर, ये आप थोड़ा देख लीजिए, तो आधा एक घंटा और पूरी रात बाकी है, कल तो पूरा पब्लिक को पता चल ही जाएगा, तो बस कल तक रुक जाइए आप 8-11 बजे। सर म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त, इसमें 5 गाने हैं, सब अलग अलग तरीके के गाने हैं, जो ऑडियंस जिस तरह का गाने चाहे सब गाने इसमें मिलेंगे। जैसे एक क्लब सॉन्ग हो गया, कवाली आ गए इसमें, रोमांटिक सॉन्ग हो गया, तो हर तरह के सॉन्ग्स मिलेंगे लोगों को इसमें। फिल्म किसको बता रहे हैं, क्या है? सर फिल्म है थ्रिल, एक्शन बेस है, सस्पेंस है, फुल पैकेज है। मतलब जी सर वो तो बहुत बड़ी पिक्चर है, उनके साथ कुछ हम लोग क्या इंडियन टच के साथ एक साइंस फिक्शन मिक्स करने की कोशिश की हम लोगों ने। सर वही फिल्म का मेन बेस है, साइंस फिक्शन बेस है। बहुत अच्छा लगता है जब एप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत इंस्पिरेशन आता है। कहानी के बारे में क्या बोल रहे थे सब, कैसी लगी उनको? हाँ तो कहानी तो पूरा सस्पेंस होगा, रोमांटिक है, एक्शन है, कॉमेडी है, तो फिल्म का टाइटल ही एक सस्पेंस है, 18.11 में। यहाँ तो एंटरटेनमेंट है, सबसे बड़ा इसमें अहम मुद्दा है कि टेररिज्म को हमने हाउ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टेररिज्म एक्टिविटी। अभी तक जितना भी बॉलीवुड या हॉलीवुड या जहाँ भी बोलिए, टेररिज्म के ऊपर बहुत सी फिल्म बने हैं, लेकिन टेररिज्म का वहाँ में एक्टिविटीज़ को दिखाया, टेररिज्म के एक्टिविटीज़, लेकिन टेररिज्म को कैसे रोका जाए, आम आदमी को कैसे बचा जा सके। आज टेररिज्म सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सारा दुनिया का एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये टेररिज्म को हम आम जनता को कैसे बचा सकते हैं? फिर भी तो अपने अपने कंट्री के जो गवर्नमेंट होता है, सरकार है, वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये सर्विलेंस कैमरा हो, प्रोटेक्शन हो, ये हो, वो हो, कैसे कर रहे हैं, लेकिन कितना सफल वो आपको भी मालूम है। आप देखिए टेररिज्म इतना बढ़ गया है, इतना कि दुनिया भर की सबसे बड़ा ताकतवर देश अमेरिका भी 2002 में आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ गया है। तो मतलब आज के दिन में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो दावे के साथ कह सकता है कि जे वी आर फ्री फ्रॉम द टेररिज्म एंड आवर कंट्री इज फ्री फ्रॉम द टेररिज्म, ये कोई नहीं कह सकता है। तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आज कितना एडवांस जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप स्पेस में देखिए, वहाँ स्टेशन बना रहा है, मून में गया है, आप मंगल ग्रह में भी जा रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो गया। और इस जमाने में भी अभी भी हम आम आदमी को रोक नहीं पा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ एंड प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। तो ये मुद्दा हमारा ये कॉन्सेप्ट है, हमारा ये मैसेज है कि हमारा यहाँ से एक मैसेज मिलेगा सारा दुनिया को जे है हाँ, एक देयर इज ए सॉल्यूशन, वी कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। हाँ मुझे तो चाहिए ना, ये आम जनता की ह्यूमन लाइफ, हर आदमी के डेली लाइफ के साथ ये रिलेटेड है,
देखिए एंटरटेनमेंट जो है तो वो तो अलग बात है, वो तो रहेंगे, लेकिन ये जो फिल्म है ये फिल्म हर आदमी के साथ कर लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आदमी को अभी लाइफ का जो प्रोडक्शन है ये जो आप देखिए आप सुबह घर से निकले हैं शाम को शायद आप घर जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये चिंता हर व्यक्ति को है, हर नागरिक को है। तो ये जो चिंता है, जो ये जो एक्टिविटीज है, ऐसे हम कैसे अपने लाइफ को इंश्योर कर सके कि कोई टेररिज्म का कोई भी हादसा हो, कोई भी हो, हम बच सकते हैं, ऐसा कोई है तो हम उसी को मैसेज दे रहे हैं इस फिल्म के जरिए। तो मतलब हर आदमी को, हर आदमी को डेली लाइफ से ये जुड़ा हुआ है ये फिल्म। देखिए वो तो दिखाया जाता है तो वो उसका थॉट है, तो हम उतना कंट्रोवर्सिबली हम ज़्यादा नहीं चाहते, हमारा तो एक ही थॉट है जो आज दुनिया की जो टेररिज्म एक्टिविटीज को शिकार हो रहे हैं इससे हमें बचना है, तो हम कैसे बचें, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या सोल्यूशन है, और हमारा फिल्म में हम वही दिखाए कि नहीं है हमारा है, हम सकते हैं। अभी नई सरकार बन रही है मोदी सरकार, इसमें डिवाइड करेगा, तो अभी क्या लगता है ये सब कुछ टेररिज्म बंद होगा या मुस्लिम लोग पे ब्लेम करना बंद होगा? देखिए ये पॉलिटिकल मसला है, ये पॉलिटिकल मसला है, मैं उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ। टेररिज्म तो आप पूरा फिल्म को देखिए, ये पूरे फिल्म में ये एक ही मुद्दा है, एक ही मैसेज है, हाउ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टेररिज्म एक्टिविटीज। Okay, fine.